शहर के अंदर आपने कैफेज जो चल रहे थे उन पे आपने रेड की थी? हाँ, सारे जो सिटी एरिया में पड़ते हैं वो सारे चेक किए थे मैंने, और उनमें जो भी ऐसा कुछ मुझे अनैतिक कुछ मिला नहीं है कि वो ऐसी जो है ऐसा कुछ भी शहर के अंदर ना फैलाए जिससे माहौल खराब हो। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। वैक्सीनेशन यानी कि कोविड 19 को भगाने के लिए और कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीनेशन हांसी के अंदर आज पांचवा दिन है वैक्सीनेशन के लिए, और कोविशील्ड वैक्सीन यहां आई हुई है। पहले दो चरण में यानी कि पहले चरण के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, अब दूसरे चरण के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिसमें फ्रंट लाइन में जो वार वॉरियर्स हैं उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है। हमारे साथ खड़ी हैं वर्दी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हेड हैं जो इंस्पेक्टर पुष्पा सिहाग जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर आपका अभिनंदन है पुष्पा जी, आप दूसरी तीसरी मर्तबा हमारे चैनल पे आ रही हैं। धन्यवाद सर। हम जीएच हांसी में खड़े हैं और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में, तो आपकी पुलिस कर्मीज को भी आज वैक्सीनेशन हो रहा है, उनको वैक्सीन लग रहा है कोविड 19 को भगाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन, तो क्या खुलकर आ रहे हैं जिनको को ऐप के माध्यम से मैसेज दिया गया है? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है आज कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना योद्धा का ये द्वितीय चरण है जिसमें सभी मुलाजमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वैक्सीन लगवाई जा रही है। हाँ जी, तो उनमें आप मोटिवेट कर रही हैं उनको, जिनके पास मैसेज गए हैं वो सभी आ रहे हैं या धीरे धीरे कोई यानी कि प्रिटेंड कर रहा, बहानेबाजी कर रहा है कि नहीं? ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी मुलाजिम जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। और विभाग की तरफ से हमारे मुलाजिमों का अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, उनको लगता है कि वैक्सीन, हाँ जी, वैक्सीन जरूरी है जीने के और जरूरी है, और सभी मुलाजिमों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि लगवाएं अपनी वैक्सीन, लगवाएं। तो आप मैडम कब लगवाएंगे? मैं लगवाऊंगी जी अभी अभी। हाँ जी, देखिए ये पुष्पा सिहाग जी हैं, पहले भी ये SHO सदर भी रह चुकी हैं। हमने जब इनसे जाना था कि भी आपका तो बहुत वास्ट एरिया होता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना होता है, इन्होंने कहा था बोल्डली कि मैं एक बोल्ड महिला हूं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैं काम करती हूं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी। अभी पिछले दिनों इन्होंने यानी कि शहर के अंदर आपने कैफेज जो चल रहे थे उन पर आपने रेड की थी पीछे? हाँ बिल्कुल, कैफेज वगैरह सारे जो सिटी एरिया में पड़ते हैं वो सारे चेक किए थे मैंने, और उनमें जो भी ऐसा कुछ मुझे अनैतिक कुछ मिला नहीं, पर उनको सचेत कर दिया है कि वो ऐसी जो है ऐसा कुछ भी शहर के अंदर ना फैलाएं जिससे माहौल खराब हो, और उनको बिल्कुल ये कहा गया ये है। आपके सर्विलेंस पे रहते हैं, विजिलेंस में रहते हैं कि भी ऐसे ऐसे कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ काम करते हैं? ये आपके, ये हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश जो होते हैं उनके दिशा निर्देशों पे ही जो है रेडिंग की जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है आपका, वेलफेयर के और क्या क्या काम करती हैं आप? वेलफेयर के पुलिस डिपार्टमेंट में वेलफेयर के जो भी मुलाजिमों के भलाई के जो कार्य होते हैं, जैसे कि उनको किसी तरह की मानसिक परेशानी है तो वो काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग के लिए? हाँ, ऑफिस में जैसे हम बैठते हैं SP ऑफिस में तो वो काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, और जैसे किसी की शादी है या किसी की और कोई परेशानी है उसमें वेलफेयर जो हमारा फंड होता है उनसे उनको बिना ब्याज के पैसे भी दिए जाते हैं, और किसी भी तरह के जो भी भलाई के जो भी कार्य हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो सारे मेरे द्वारा देखे जाते हैं। एक महिला कॉलेज है यहाँ, SD महिला कॉलेज है, वहाँ भी आप समय समय पर विजिट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ ईव टीचर रहते हैं कुछ ऐसे इस तरह के? नहीं, ऐसा कुछ मुझे दो तीन बार मैं गई हूँ, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। अच्छा। पर फिर भी मैं इसमें हम विजिलेंट रहते हैं, विजिट करती हूँ, लेक्चर भी देती हूँ बच्चों को, लेक्चर देते हैं। ये थी पुष्पा सिहाग जी, बड़ी बोल्ड इंस्पेक्टर हैं, और इन्होंने बताया कि मैं पुलिस वेलफेयर में एज इंस्पेक्टर काम करती हूँ, वेलफेयर विभाग है उनके वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। पुष्पा सिहाग जी ने कहा कि मैं मोटिवेट कर रही हूँ मेरे कर्मचारियों को और यहाँ वैक्सीन लगवाएं, फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह ये काम करती आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हांसी की।